निकालते हैं, ठीक है। अब व्यू मतलब क्या, व्यू मतलब देखिए ये बहुत डीप चला जाएगा, उतना डीप हम लोग पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। हम लोग बस दो चीज समझते हैं, ये होता है फर्स्ट एंगल, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये घूम करके उस तरह व्यू बनता है, उस पर हम लोग जाएंगे नहीं उतना। हमको इतना खाली जानना है कि अगर क्वेश्चन में बोला कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बोला, तो हमेशा थर्ड व्यू मेरा ऊपर बनेगा, ठीक है। और अगर फर्स्ट एंगल बोला तो फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, ठीक है। हाँ, अगर थर्ड एंगल बोला तो टॉप व्यू ऊपर बनेगा, फर्स्ट एंगल बोला तो फ्रंट व्यू ऊपर रहेगा। अब तुम लोग बोलेगा कि सर सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल नहीं बोलेगा, तो सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल का क्वेश्चन आएगा ही नहीं करना, या तो फर्स्ट एंगल रहेगा या तो थर्ड एंगल रहेगा, ठीक है। तो मान लो कि ये क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड एंगल में है, ये क्वेश्चन हमारा थर्ड एंगल में है, तो हम जो व्यू बनाएंगे तो मेरा टॉप व्यू ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, ऊपर बनेगा, ठीक है। टॉप व्यू हम यहां बनाएंगे, ठीक, और फ्रंट व्यू तब मेरा ऑटोमेटिक नीचे बनेगा, ठीक है, और साइड व्यू क्या होगा मेरा इस साइड में बनेगा, ठीक है, इसका साइड में। ये लाइन हम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, ठीक ना। अब हम इसको देखते हैं, अगर इसमें हमको पता कैसे चलेगा फ्रंट व्यू ये है कि ये है, पता कैसे चलेगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट में फ्रंट व्यू क्या है हमको पता कैसे चलेगा। तो जब भी इस तरह का ड्राइंग आएगा क्वेश्चन में ना, तो हमेशा इस तरह का एक एरो रहेगा, या हाँ क्वेश्चन में या ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। तो जिधर से एरो रहेगा वही फ्रंट व्यू रहेगा, ठीक है। तो मान के चलो कि इस क्वेश्चन में मेरा ऐसे एरो, तो अब मेरा फ्रंट व्यू क्या हो गया, ये वाला हो गया, है ना। डायमेंशन है ना वो इस कार्टून का है, ठीक ना, ये इस तरह से एंगल में है, ठीक है, इस तरह से एंगल में है। अब देखो यहां से 30 डिग्री इधर गया है, 30 डिग्री इधर गया है, ड्राइंग गया ना, ड्राइंग दिख रहा है ना। यस सर। तो अब बताओ इसका डायमेंशन कितना है, बेस, इसका डायमेंशन कितना है, इसका, इसका, फिर इसका, सेम टू सेम इसी का बना हुआ है ना। अब अगर हम बोल रहे हैं कि इसका फ्रंट व्यू इधर है ना, इधर है, इसका फ्रंट व्यू मतलब इधर कैसा दिख रहा है आपको, फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, सिर्फ ये पोर्शन दिखेगा, yes, क्या ये दिखेगा, क्या नहीं, ये नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा, नहीं, सिर्फ आपको ये एक रेक्टेंगुलर दिखेगा फ्रंट व्यू में, है ना। तो हम क्या करेंगे, वहां फ्रंट व्यू बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सिर्फ हम एक रेक्टेंगुलर बनेगा मेरा, ये बनेगा, ऐसा ही दिखेगा ना फ्रंट में, ठीक है। अब टॉप में कैसे दिखेगा, टॉप इसका क्या हो गया, ऊपर वाला, ऊपर वाला कैसा, अगर ऐसे कर देंगे, या टॉप मतलब क्या, इसको हम इसे नीचे रख के ऊपर से देखेंगे कैसा दिखेगा, सिर्फ ये पोर्शन दिखेगा हमको, ट्राई करके देखते हैं, देखो सिर्फ वही दिख रहा है ना। तो टॉप व्यू मेरा, यानी कि उसको हम रख के ऊपर से देख रहे हैं, है ना। तो टॉप कैसा बनेगा, सिर्फ ये पोर्शन दिखेगा मेरा, है ना। अब साइड से देखेंगे तो साइड कौन वाला हो गया, ये वाला, इसमें साइड कौन वाला हुआ, ये वाला। इसको अगर हम साइड से देखते हैं तो कैसा दिखेगा, सिर्फ ये पोर्शन, है ना, ये दिखेगा, ये सबको क्लियर है ना। तो साइड व्यू कैसा दिख रहा हमको, ये भी रेक्टेंगुलर ही दिख रहा, व्यू समझ में आ गया। क्योंकि सबसे ज्यादा यहां तक कि टीचर भी
फंसता है ना, तो व्यू में ही फंसता, ये दिखेगा कैसा, ठीक है। हम अगर ड्राइंग आ गया तो ड्राइंग में फ्रंट से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये सबसे ज्यादा फंसता है। अगर हम एक एग्जांपल के लिए हम तुम लोग से पूछे कल, किस तरह का ड्राइंग है ये, सीढ़ी है ना, इसमें एरो दिया हुआ इस तरह, एक रफली रफली बताओ इसका फ्रंट व्यू किस तरह दिखेगा, सिर्फ ये पोर्शन दिखेगा, ये दिखेगा क्या, ये सब कुछ नहीं दिखेगा, यानी कि मेरा इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ये दिखेगा ना व्यू फ्रंट व्यू में। अगर हम इसका टॉप व्यू बनाना चाहें तो हमको कौन कौन सा पोर्शन दिखेगा, ये वाला और ये वाला नहीं दिखेगा, वो मतलब ये दिखेगा और ये दिखेगा, तो अगर हम ये तीनों को मिलाएं तो किस तरह से दिखेगा, इस तरह से बनेगा है ना। अब साइड व्यू अगर हम देखें इधर से तो कौन सा दिखेगा, ये और ये, लेकिन अगर हम बनाएंगे तीनों को तो किस तरह बनेगा, ऐसे ही दिखेगा ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये व्यू क्लियर रखना। अब इसका व्यू बनाते हैं, ठीक है, व्यू कॉपी में बनाइए आप। इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ चौड़ाई 70 होगा, क्यों, क्योंकि यहां फ्रंट में चौड़ाई दिया 70, ऊंचाई कितना है 50, यानी कि इसका सत्तर है। बैठा ऑफिस में बैठा, तुमको क्लास में बैठा क्या नहीं, अच्छा हम डायमेंशन सही लिखे कि गलत लिखे, ये 50 सही लिखे कि गलत लिखे, नहीं नहीं अंदर नहीं बोले थे, हम बोले थे उसके ऊपर खड़ा होना चाहिए, ऊपर भी है खड़ा भी है, हम अंदर बाहर कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब टॉप व्यू में जो बनाए हम लोग, तो लेंथ कितना है 70 और इसका चौड़ाई 20, यानी कि इसका कितना होगा, ये 70। अब साइड व्यू में जो देखेंगे हम लोग इधर से, तो इसका ऊंचाई कितना होगा 90 50, चौड़ाई कितना होगा 20, यहां चौड़ाई कितना होगा 20 और ये 70। हम एक ऐसे लाइन लेंगे, ठीक है, और इसी का 90 डिग्री में हमको लेना है, इसमें हम लोग व्यू बनाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, हाँ, जैसे देखना बहुत बार ड्राइंग में देखेगा यहाँ एक्स वाई लिखा रहेगा, है ना, ये एक्स वाई हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं पूरा 90 डिग्री में है कि नहीं।